खाली मेरे कैसे नहीं होगा, वो पब्लिक उठेगी जभी तो काम होगा। अरे आप जैसे लोग ही उठेंगे तभी तो काम होगा। तो मैं अकेले क्या बोल दूँ मोदी के सामने, मैं जब मोदी आ जाना मैं मोदी के ऑफिस गई, मोदी के ऑफिस से कभी कह दिया वहाँ चली जाओ, मुझे यहाँ लक्ष्मी नगर भी भेजा, यहाँ से बोला यहाँ नहीं है इसका ऑफिस। मैंने बोला ये फोटो लगा रखी है तार के पैर में, क्यों लगा रखी है? मैंने तो वहाँ की बकवास करी वो तेरी, कह रहे अम्मा कैसे बोल रही, मगर ठीक बोल रही है। मैसेज तो पहुँचाना चाहते हो? मैं तो मैसेज ये भेज रही, मैं जितना दुख मेरे को हो रहा आज, मैं काम से काम हो रही, घर से बेघर हो रही हूँ, यही कहना चाहती हूँ भाई। मेरे को भी कुछ जो ना जो ना मेरे को जगह दी जा रही है, अगर भाई ननू को अगले तुझे या पैसा दे रहे तो अपनी जगह जा के लिए अच्छा करा वहाँ ले ला। मैं डरती तो नहीं हूँ पर यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है। अरे यहाँ से कुछ नहीं हो रहा, मैं निजामुद्दीन में रह रही थी, ये वो उसमें पब्लिक बहुत रह रही है, अकेली का मेरा ही घोसला उजाड़ा गया। आज मैं घर से बेघर कर रखी हूँ, महंगाई इतनी है, चार चार लड़की सर पर बैठी हो, किसी का कहाँ से लाएगा इतना। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि दिक्कतें हैं, आप बोलिए आप, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपका घर भी उजाड़ा गया, कैसे मतलब बताइए। जेने का ही नहीं, कभी तो वकील भी कह देते हैं हाँ भाई कल करेंगे आज करेंगे, अब ये लगा लो चार साल उनका हो रही, चार साल तो हो गई होगी शायद। अच्छा अभी तक कोई मेरे को ना जवाब है ना कुछ है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा मेरे। अभी कहाँ रह रहे हो? अब मैं यहाँ रह रही फरीदाबाद में। फरीदाबाद में अभी यहाँ क्या करना है? यहाँ तो मैं गांव जा रही हूँ। गांव जा रहे वापस? नहीं तो? देवी का मेला चला जाए वहाँ जाएंगे हम सीख रही। अच्छा काम कुछ काम सीखने, प्रसाद चढ़ाते हैं हिंदुओं में। अच्छा तो प्रसाद चढ़ाने के लिए जा रही हूँ। प्रसाद चढ़ाने? हाँ। महंगाई बढ़ रही है, दूध के दाम बढ़ गए हैं, दाल के दाम बढ़ गए हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, सब कुछ का रेट बढ़ रहा है, कहाँ तक है? खाली मेरे कैसे नहीं होगा, वो पब्लिक उठेगी जभी तो काम होगा। अरे आप जैसे लोग ही उठेंगे तभी तो काम होगा। तो मैं अकेले क्या बोल दूंगी, अभी मैं अपनी घर की मुसीबत ही बता सकती हूँ। हाँ। अब पब्लिक बताएगी जभी तो सारा चलेगा। वो तो बात आपकी ठीक है कि सबको बोलना चाहिए, लेकिन मेरे खाली मेरे बोलने से मैं अपने दुख का अपने घर के दुखी तो रहूँगी, जैसे मैं रोती हूँ ऐसे पब्लिक रोएगी तो सरकार कुछ नीचे तो आएगा। वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे आप कह रही हैं कि आप अकेले बोलेंगी बाकी सब नहीं बोलेंगे। हाँ। तो सब वैसे ही सोचते हैं, कोई नहीं सोचता है, ये पब्लिक कोई नहीं बोलती है। तो आपको तो बोलना चाहिए। मैं तो बोल रही थी, मैं तो मोदी के सामने, मैं जब मोदी आ जाना मैं मोदी के ऑफिस गई, मोदी के ऑफिस से कभी कह दिया वहाँ चली जाओ, मुझे यहाँ लक्ष्मी नगर भी भेजा, यहाँ से बोला यहाँ नहीं है इसका ऑफिस। मैंने बोला ये फोटो लगा रखी है तार के पैर में, क्यों लगा रखी है? मैंने तो वहाँ की बकवास करी वो तेरी, कह रहे अम्मा कैसे बोल रही, मगर ठीक बोल रही है। मेरा दिल दुखता है, मेरा दिल रो रहा जितना मेरा रो रहा। मोदी ने आपका घर जुड़वाया? अब मैं तो किसी उस पर नहीं वो डालती हूँ भाई, मोदी ने करवाया, पर कभी कोई कहे केजरीवाल के ऑफिस जा, कभी कहे मोदी के ऑफिस जा, है जो इंडिया गेट से आ गया क्या वो बोले, अरे जो ऊपर से चलते हैं जहाँ ज़्यादा चेकिंग चलती है, पास भी वे मांगते हैं आधार कार्ड वगैरह, वहाँ भी मैं गई हूँ, वहाँ से भी कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई चार साल से। आपका घर तोड़ा गया, बाकी और भी लोग अभी और हैं वहाँ मौजूद? सब लोग एक साथ आवाज़ नहीं उठाते, क्यों तोड़ा गया ये तो बताइए। अब नु कहा गया यहाँ गंद होता था भाई, मेरे घर की वजह से, मेरे छोटे बच्चे थे इस करके गंद होता था, छोटे बच्चे हैं तो आज छोटे हैं कल को बड़े होते हैं तो वे क्या माँ पूरे बड़े ही पैदा करती है सबकी, सबके छोटे बच्चे ही होते, अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, पहला छोटा बच्चा होता है जब बड़ा होता है ना। देखिए ये मोदी जो कहते हैं कि एक तरफ तो देश विश्व गुरु बनने वाला है और एक तरफ जो गरीबों का ये हाल है, उस पर क्या कहोगे कि क्या क्या हाल कर रहे हैं भाई? मेरे खाली कैसे कुछ नहीं बेटा, कुछ फायदा है? अब मैं तो अपने घर की रोनी रो। मोदी जी तक मैसेज तो पहुँचाना चाहते हो? मैं तो मैसेज ये भेज रही, मैं जितना दुख मेरे को हो रहा आज, मैं काम से काम हो रही, घर से बेघर हो रही हूँ, यही कहना चाहती हूँ भाई। मेरे को भी कुछ जो ना मेरे को जगह दी जा रही है, अगर भाई ननू को अगले तुझे या पैसा दे रहे तो अपनी जगह जा के लिए अच्छा करा वहाँ ले ला, वो भी नहीं मेरे को मदद हो रही है, कोई मदद नहीं है, सबकी पेंशन बन रही, मेरी पेंशन नहीं बन रही।
7,500 में आदमी काम करता है, 7,500 की जमाना है, 7,500 में काम करते हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, हाँ कैसे चलेगा। और जब हॉस्पिटल में साफ सफाई करा उनका बोला तो बढ़ाने का नुका अपने घर बैठा लो। अच्छा। हाँ यह हाल हो रहा, तो मुझे ना काम धंधा है मेरे पास भी ना बच्चे के पास। एक तो बच्चा मेरा सही है दिमाग का हाली सा, मैंने कागज लगा रखे हैं वकील के द्वारा भी उसका दिमाग वाले का भी, तो ये नहीं सोचा इसका चर चर बेटी कहाँ लेकर रोडों पर पड़ेगी। अब मैं किराया भर रही हूँ। कितने लोग हैं वहाँ पर जिनको ये दिक्कत है लगभग? उनका मुझे कोई वो नहीं, उन्होंने साकित में केस डाल रखा है, मैंने नहीं, जब आता निर्माण भवन से जाते थे मैंने कोई कैसे वैसे नहीं करा था, तो उन्होंने डाला था अंदर वालों ने, तो मुझे क्या पता भाई कौन, मैं तो अनपढ़ हूँ, कौन क्या चाल चल रहा कौन नहीं चल रहा, अनपढ़ को तो हर कोई उल्लू बना ले। चलिए आपसे हम और बात करेंगे, ठीक से बात करेंगे किसी दिन, निजामुद्दीन का केस है, ठीक है।